हेलो सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं तो रोटेशन ऑफ वेक्टर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन लेते हैं सो so, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्योर जे एडवांस लेवल क्वेश्चन है तो ये जे एडवांस लेवल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है तीन वर्टेक्स हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री और तो तीन वर्टेक्स इनका ट्रैंगल बनेगा तो उसका सरकम सेंटर ओरिजन पर है तो Z1 से यानी A वर्टेक्स से BC पर ऑल्टीट्यूड डाला तो BC पर ऑल्टीट्यूड डाला तो वो सर्कल को D पे कट कर रही है तो D जो है वो Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में निकालना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं? प्योर जेई एडवांस क्वेश्चन है तो देखो तो वो कह रहा है देर इज अ सर्कल फिर देर इज अ ट्राइंगल सो देर इज़ ए ट्राइंगल तो वर्ट एक्स ए जेड वन वर्ट एक्स बी जेड टू वर्ट एक्स सी जेड थ्री और वर्ट एक्स ए से बी सी पे ऑल्टीट्यूड डाला तो ऑल्टीट्यूड डाला तो सर्कल को वो डी पे कट करी तो अपने को जेड बताना है और ओरिजन सेंटर है सर्कल का सेंटर है तो ओरिजन सर्कल का सेंटर है तो अपने को जेड जेड वन जेड टू जेड थ्री के टर्म्स में निकलना है तो देखो तो ओ बी को ज्वाइन किया ओ भी सर्कम रेडियस है ओ बी सर्कम रेडियस है ओ डी सरकम रेडियस है ओ सी सरकम रेडियस है ओ ए भी सरकम रेडियस है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज ईक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी मतलब मॉड ऑफ जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड थ्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z और इसको R से डिनोट कर लेते चाहे तो सरकम रेडियस नेक्स्ट अब ध्यान देना कि बी सी कॉड बी डी कॉड बी डी कॉड सरकम ए पे एंगल अपटेंड कर रही है तो ए पे कितना एंगल अपटेंड करेगी तो देखो ये नाइन्टी डिग्री है तो ये बेस एंगल बी है तो बेस एंगल बी है तो ये होगा पाई बाई टू माइनस बी तो बी डी कॉड बी डी कॉड सरकम फ्रेंड्स पर वर्टेक्स ए पे पाई बाई टू माइनस बी सबटेंड कर रही है तो सेंटर पे डबल एंगल सबटेंड करेगी यानी पाई माइनस टू बी पाई माइनस टू बी तो इससे क्या पता चला कि ओ बी वैक्टर पाए माइनस टू बी से रोटेट होके ओ डी वैक्टर मिल रहा है तो ओ बी वैक्टर को अगर पाई माइनस टू बी से रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ओ डी वैक्टर मिलेगा सेम ऐसे ही अब देखते हैं ए सी कॉड ए सी कॉड बी पे एंगल सबटेंड करिए बी तो सरकम सेंटर पर कितना सप करेगी डबल टू बी तो ओसी वैक्टर रोटेट होके वैक्टर मिलेगा तो ओ सी वैक्टर टू बी एंगल से रोटेट होके ओ वैक्टर मिलेगा तो देखो तो ओडी वैक्टर तो यानी न्यू यूनिट वैक्टर इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वैक्टर इन टू ई रेस्टा रोटेशन इंटू ई आयोटा रोटेशन अब ओ सी और ओ ए में देखते हैं तो न्यू यूनिट वैक्टर इज टू ओल्ड यूनिट वेक्टर इनटू टू ई रेस्टू आयोटा रोटेशन अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया ओ बी और ओ डी में एंगल पाई माइनस टू बी है तो ये पाई माइनस टू बी आएगा यहाँ पे करेक्शन है तो पाई माइनस टू बी अब मुझे क्या चाहिए जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड जेड वन जेड टू जेड थ्री के टर्म्स में चाहिए नेक्स्ट मॉड जेड मॉड जेड टू सर्कम रेडियस से कैंसिल हो जाएगा मॉड जेड वन और मॉड जेड थ्री भी सर्कम रेडियस है कैंसल हो जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट z इज इक्वल टू जेड टू इंटू ई ई रेस टू आयोटा पाए इंटू ई रेस्ट टू आयो माइनस आयोटा टू बी जेड वन इज इक्वल टू जेड टू जेड थ्री इंटू ई रेस्टू आयोटा टू बी नेक्स्ट ई रेस्ट टू आयोटा पाए माइनस वन होता है ई रेस्टू आयोटा पाए माइनस वन आइलर फॉर्म से आएगा ये नेक्स्ट तो जेड इज इक्वल टू माइनस जेड टू इंटू टू बी जेड वन इजिकल टू जेड थ्री इंटू ई रेस टू आयोटा टू बी और टू बी को हटाना है अपने को तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा जेड जेड वन इजिकल टू माइनस जेड टू जेड थ्री और ये दोनों टर्म कैंसिल होकर वन आ जाएगा क्योंकि पावर ऐड होगी तो वो जीरो आएगा ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा तो जेड की वैल्यू आ गई माइनस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस सो माइनस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड वन अब ये नोटिस करना जेड वन के सामने थी जेड वन डी जेड वन के सामने है तो इसलिए जेड वन डिनोमिनेटर में और जेड टू जेड थ्री न्यूमरेटर में तो सोचो देखो अगर ऐसी तरह से ई e के लिए निकालें या ई होगा फिर ऐसे एफ के लिए निकालें तो अगर तो ए के सामने ए के सामने डी है तो वह आ गया माइनस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड वन तो अगर ई e के सामने बी के सामने ई e होगा तो इस केस में माइनस जेड वन जेड थ्री जेड टू डिनोमिनेटर में आ जाएगी एफ सी के सामने है, तो डिनोमिनेटर में जेड थ्री होगा और बाकी दोनों न्यूमिनेटर में रहेंगे तो माइनस जेड वन जेड टू अपॉन जेड थ्री ठीक से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे डी मोवियर्स थ्योरम।